हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके क्रिएटिविटी। तो फ्रेंड्स, आज हम पुराने कर्टन जो हैं मेरे पास पड़े हुए हैं उनका रीयूज़ करने वाले हैं। तो पुराने कर्टन मेरे पास पड़े हैं जो कि काफ़ी टाइम के हैं। एक वाला जो ये कर्टन क्रीम कलर का आपको दिख रहा है, गोल्डन कलर का, ये फट गया है। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी वीडियो में कि कैसे मैंने इसके साथ जो है बेडशीट बनाई, और एक राउंड पिल्लो कवर भी हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे जो रिंग लगे हुए हैं, कई सारे रिंग तो इसके टूट गए हैं, लेकिन जो इसके अच्छे हैं वो मैं सारे निकाल लूँगी। पहले तो ऊपर से ये जो जहाँ पे ये रिंग लगे हुए हैं उनको मैं कट कर लूँगी, और ये रिंग बाद में उतार के रख लूँगी, क्योंकि जब भी हम कर्टन वॉश करते हैं कई बार क्या होता है कि रिंग हमारे जो हैं ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ये हमारे काम आ जाएंगे। जब भी हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी रिंग की तो वो काम आ जाएंगे। तो एक तो मेरे पास ये वाला कर्टन है, और एक जो ये वाला है ये बीच में से ना थोड़ा फट गया है। तो पहले इसके भी मैं ऊपर से ये जो इसका पार्ट है, रिंग वाला पार्ट है, उसको कट कर लूँगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए बीच में से ना ये फट गया है, पता नहीं सारा थोड़ा थोड़ा करके। तो इसको मैं निकाल लूँगी, और जैसे जैसे भी बेडशीट में ये रीयूज़ में मेरे काम में आएगा उसी तरीके से मैं पट्टियाँ इसकी कट कर लूँगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने इतनी चौड़ी पट्टी कट करनी है। मैंने एक जैसे फटा हुआ कपड़ा था ना उसी उसको निकालने के हिसाब से ही ये पट्टी जो है 10 इंच चौड़ी मैंने ये पट्टी कट की है। ये देखिए, तो 10 इंच चौड़ी मैं मुझे दो पट्टियां चाहिए, तो दो पट्टियां पहले मैं कट कर लेती हूँ, और जो बाद में मैंने एक राउंड पिल्लो कवर बनाया है उसके लिए मैंने जो प्रिंट कपड़ा, मेरा जो प्रिंट वाला कर्टन था ना, वो दूसरा यूज़ किया है, क्योंकि इसमें से सारा कपड़ा ख़त्म हो गया था। तो एक मेरा जो है ब्राउन कलर का जो ये कर्टन पूरा लग गया था, और ये जो क्रीम कलर था इसमें से मैंने सिर्फ दो पट्टियां ही यूज़ की हैं, बाकी मैंने इसका जो है फ्रिल के लिए यूज़ किया है। तो ये जो ब्राउन वाला देखो ये कर्टन है चॉकलेट कलर का, इसको मैंने बीच में से हाफ करके कट कर लिया है। तो एक चौड़ी पट्टी तो मुझे बीच में चाहिए, लेकिन साइड पे दो पट्टियाँ मुझे चाहिए। तो ये जो मैंने एक हाफ़ कट किया था उसका और एक हाफ़ करके मैंने फिर से कट कर लिया। मैं बेड पे बिछा के पूरा आपको दिखाऊंगी, तो आप देख लेना कि कैसे कैसे मैंने ये पट्टियों को अटैच करना है। तो ये देखिए, सेंटर में चौड़ी पट्टी रखी है और दोनों साइड पर क्रीम कलर का, और बिल्कुल किनारे पर जो है फिर से मैंने चॉकलेट कलर का ही ये देखो लगाया है। बीच में एक चौड़ी पट्टी लगाई है और साइड में दो पट्टियाँ और मैंने लगाई हैं। तो पूरा कर्टन जो था ये 7 फुट का कर्टन था, और जो दूसरा था वो 9 फीट का था। तो जो भी नीचे वाली साइड को बढ़ेगा कपड़ा उसको मैं बाद में कैंची से कट कर लूँगी। पहले हम इसे स्टिच कर लेंगे पूरा ना, ऐसे जैसे मैंने रखा है ना सेम इसी तरीके से मैं इसको स्टिच करके फिर आपको दिखाऊँगी, और जो बढ़ेगा साइड पे उसको हम बाद में कट कर लेंगे। क्योंकि एक जो कर्टन था मेरा ये 7 फीट का था, और दूसरा जो प्लेन वाला था ना वो 9 फीट का था। तो ये वाले कर्टन तो मेरे काफ़ी पुराने हैं, तो अगर आपके पास भी पुराने कोई कर्टन पड़े हैं तो आप उनका रीयूज़ कर सकते हैं। चाहो तो आप बेडशीट बना सकते हैं, कुशन कवर बना सकते हैं, और भी कुछ कई सारी चीज़ें हैं जो आप इसके साथ कर्टन के साथ जो है बना सकते हैं। आप पिल्लो कवर्स बना सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं, और कहीं पे भी आप जो है ऐसे जो कर्टन होते हैं ना काफ़ी अच्छे होते हैं, इनका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा होता है, तो इनके धागे वगैरह भी बिल्कुल नहीं निकलते। तो सारा जैसे मैंने बेड पे बिछाया था आपको दिखाया था ना, वैसे ही मैं पूरा इसको स्टिच कर लेती हूँ। बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई हमने लगानी है ये देखो, और बहुत ही अच्छी हमारी बेडशीट बन जाएगी। तो क्या है ना कि कई बार हमारे पास कई सारे कर्टन हम चेंज करते रहते हैं, तो कई कर्टन होते हैं जो कि काफ़ी पुराने होते हैं, उनको हम यूज़ भी नहीं करते और रख छोड़ते हैं, तो किसी काम के भी नहीं होते, तो उनको आप ऐसे रीयूज़ कर सकते हो। ये देखिए, तो मैंने स्टिच कर लिया है पूरा, और साइड से ये देखो ये जो बड़ा है ना नीचे से, इसको मैं कट कर लूँगी बराबर करके, जो ये चॉकलेट कलर का मेरा कर्टन है उसी के बराबर करके मैं पूरा इसको कट कर लूँगी। तो पूरा ये 7 फुट का था, तो बिल्कुल, और नीचे जो फोल्ड किया था ना वो भी मैंने खोल लिया, तो वो भी 4-5 इंच का फोल्ड किया हुआ था, वो भी मैंने नीचे से खोल लिया है। तो काफ़ी अच्छी ये बेडशीट जो है मेरी बनेगी। अब इसको चारों तरफ ना मैं क्या करूँगी, फ्रिल लगाऊँगी। तो फ्रिल जो है मैं इसी फैब्रिक की बनाऊँगी,
तो देखिए फ्रिल हमने कैसे बनानी है। डबल करके ये देखिए मैंने कपड़ा रखा है और ऐसे ही बारीक बारीक से कट हमने लगाते जाना है और इसकी बहुत ही प्यारी फ्रिल बन जाएगी। और अगर आप कोई कॉटन फैब्रिक की ऐसी फ्रिल बनाओगे ना तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। ये जो कॉटन का फैब्रिक होता है ना, ये जो होता है ना सिल्क वाला फैब्रिक, उसी के ही ये फ्रिल बनेगी। और अगर आप कॉटन की बनाओगे तो कॉटन पे ये बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी और ना ही जो एक दूसरा कपड़ा सिल्क फैब्रिक होता है उसका भी नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा। तो ये तो सिर्फ आप जो कर्टन वाला फैब्रिक होता है ना उसी के साथ ही ये फ्रिल जो है बनती है अच्छी, क्योंकि इसके धागे नहीं निकलते ना। तो जैसे हमने कट लगाया इसके बिल्कुल भी धागे नहीं निकलेंगे। तो ये फ्रिल बना के चारों तरफ मैं इस पर अटैच कर लूँगी और इसके साथ जो है ना लुक देखना आप, बहुत ही प्यारा इसका लुक आ जाएगा ये देखिए। और ऐसे ही आप कुशन कवर भी बना सकते हो, लेकिन अभी मैं कुशन कवर नहीं बनाऊँगी, बाद में इसके कुशन कवर भी मैं बनाऊंगी, क्योंकि अभी ये चॉकलेट कलर के जो कर्टन है ना दो मेरे पास और पड़े हैं। तो ये देखिए फ्रिल देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। अब बेड पे डाल के मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा इसका लुक आया है और ये फ्रिल भी काफ़ी अच्छी लगी है। तो पुराने बेकार कर्टन जो हमारे पास पड़े थे वो देखो वो भी मेरे काम आ गए। और बेडशीट देखो कितनी प्यारी मेरी ये बेडशीट भी बन के रेडी हो गई। अब इसका इसके ऊपर मैं एक गोल पिल्लो रखती हूँ ना, उसका कवर भी मैं बनाऊँगी। तो ये वाला पिल्लो है और ये कवर मैंने कैसे बनाया है इसका भी वीडियो मैंने डाला है। ये जो है वेलवेट शनेल जो होती है उसी का मैंने ये बनाया था। तो इसका भी मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप जाकर ज़रूर देखिएगा कि कैसे मैंने ये कवर बनाया था। ये थोड़ा अलग तरीके से बनाया था, इसमें मैंने चुन्नट डाली थी। तो देखिए हमने नाप कैसे लेना है, तीन पार्ट मैं इसके लूँगी। तो ये देखिए 32 इसकी गोलाई है, एक इंच हमने मार्जिन के लिए रख लेना है सिलाई के लिए। और यहाँ से भी 10 इंच लूँगी क्योंकि 9 इंच है, तो मैं 10 इंच लूँगी और दूसरी साइड से भी। तो 10-10 इंच के मैं तीन पीस जो हैं कट कर लूँगी और जो गोलाई उसकी रहेगी 33 इंच मैं रखूँगी। तो तीन पीस मैं पहले कट कर लेती हूँ। ये देखिए 10x32 के मैं तीन पीस जो है कट कर लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसके लिए मैंने दूसरा कर्टन जो है यूज़ किया है, क्योंकि एक कर्टन तो मेरा वो चॉकलेट कलर का बिल्कुल ख़त्म हो गया था, वो बेडशीट में लग गया। तो ये देखिए साइड में मैं प्रिंट कपड़ा रखूँगी और बीच में प्लेन रखूँगी और ऐसे ही तीनों फैब्रिक जो है मैं स्टिच कर लेती हूँ। ये देखिए ऐसे करके रख के बीच में प्लेन रख के और दोनों साइड पर जो है ये प्रिंट वाला रख के सिलाइयाँ लगा के। और ये जो राउंड पिलो कवर है ये बनाना बहुत ही आसान है। इसमें मैंने कोई फोम नहीं डाली है और अगर आप फोम डालना चाहते हो तो फोम डाल के जैसे क्विल्टिंग करके बनाना चाहते हो तो उसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला है, आप देख सकते हो। अब दोनों साइड पे देखो जैसे हम नेफा बनाते हैं ऐसे हमने नेफा बना लेना है, जैसे हम नाड़ा डालने के लिए बनाते हैं ना दोनों साइड पर नेफा बना के, फिर उसमें हमने जो है डोरी पिरो लेनी है। तो ये देखिए दोनों साइड पे ऐसे मैंने फोल्ड कर लिया है, ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ से हमने सिलाई लगानी शुरू करनी है, यहाँ से हमने थोड़ी ये देखो यहाँ से जगह छोड़नी है क्योंकि हमने इसमें डोरी पिरोनी है, ये देखो। और सिंपल तरीके से सिलाई लगा देनी हमने, सिंपल सीधी सी सिलाई लगा के, और ये हमारा पिल्लो कवर जो है बन के रेडी हो गया। अब मैं इसमें ये देखो मैंने ना कर्टन का ही कपड़ा थोड़ा बारीक सा कट करके इसको मैंने स्टिच नहीं किया क्योंकि इसके धागे नहीं निकलते हैं ना, क्योंकि बाहर को तो ये नज़र नहीं आएगा। आप चाहो तो इसको स्टिच भी कर सकते हो लेकिन मैंने स्टिच नहीं किया है और बारीक सा कपड़ा ऐसे ही फाड़ के और इसमें ये देखो पिरो दिया सेफ्टी पिन की हेल्प से। तो दोनों साइड पे मैं पिरो लेती हूँ, ये देखो ऐसे सेफ्टी पिन को निकाल लिया, ऐसे ही दूसरी साइड पर भी ये देखो मैं इसमें डाल लेती हूँ। तो दोनों साइड पर जो है डोरी मैंने डाल ली है। अब अपने पिल्लों के ऊपर हम इसको चढ़ा लेंगे और ये बन गया देखो हमारा बहुत ही प्यारा सा और बिल्कुल वेस्ट कपड़ों के साथ, जो कि हमारे पास कई कपड़े ऐसे होते हैं जिनको हम रख छोड़ते हैं और कभी उनका यूज़ भी नहीं करते, तो उनका यूज़ हम ऐसे कर सकते हैं, कोई नई चीज़ उसके साथ जो है बना सकते हैं। अब ये जो डोरी मैंने डाली है ना इसको हमने कस के बांधना है अच्छे से और जो एक्स्ट्रा इसकी ये देखो डोरी है उसको अंदर वाली साइड को ऐसे इंसर्ट कर देना है,
तो ये देखिए बिल्कुल दिखेगा भी नहीं और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही दूसरी साइड से भी मैंने बांध लिया। अब बेड पे रख के मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। आप चाहो तो इसके साथ कुशन कवर भी बना सकते हो और इसको और भी ब्यूटीफुल लुक जो है आप दे सकते हो। तो कुशन कवर भी बनाऊँगी इसके मैं बाद में, और काफ़ी सारे कर्टन मेरे पास अभी पड़े हैं तो धीरे धीरे मैं आपको उनका रीयूज़ करके बताऊँगी। तो आज के वीडियो में बस मैंने ये बेडशीट और पिलो कवर बनाया है। तो फ्रेंड्स आपने ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।